हेलो आर्टिस्ट, वेलकम टू आर्ट विद फिनिक्स। तो चलो आज एक क्यूट सी ड्राइंग बनाते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी ड्राइंग को यहाँ पे सिलेक्ट करके कैनवस साइज को स्क्वायर शेप में सिलेक्ट किया है। और ड्राइंग को मैंने एक स्केच बना लिया था, जिसकी ओपेसिटी मैं अब एकदम लो कर लूँगी। सो 15 पे ओपेसिटी लो करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर सिलेक्ट कर ली है। और अब यहाँ पे मुझे कलर पैलेट बनाना है। सो मैंने अपनी जो इंस्पिरेशन फोटो ली थी उसके कलर पैलेट बना लिए, यहाँ पे इंसर्ट करके आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। और अब मैं एक कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट करूँगी, आउटलाइन देके इसको फिल कर लूँगी। सो आई एम यूजिंग अ मोनोलाइन ब्रश और उसकी स्टेबलाइजेशन मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, सो इट्स गोइंग टू गिव मी नाइस एंड स्मूथ लाइन। अब इसी तरह से मैं अपनी सारी ट्यूलिप्स को आउटलाइन देके कलर कर लूंगी। अब थोड़ा लाइटर शेड सेलेक्ट करके सॉफ्ट एयर ब्रश यूज करूंगी एंड लेयर को अल्फा लॉक करने के बाद इस पे हाईलाइट करना स्टार्ट करूंगी। अब आपको जस्ट रैंडमली इसको हाईलाइट करना है। Now guys, as you all can see, I'm selecting a little more lighter shade of pink and I'm going to do the same thing which I did before. अब गाइस यहाँ पे थोड़ा व्हाइट कलर से भी हाईलाइट कर लूंगी मैं। मैंने मर्ज टूल सिलेक्ट किया है और इसको अच्छे से स्मूथ कर लूंगी सारे एजेस को मैं। वंस ऑल इज डन, मैंने यहाँ पे दूसरी लेयर ली है ट्यूलिप्स के नीचे और अब मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी और स्टार्ट करूंगी अपनी स्टेम्स बनाना। सो फॉर दैट आई हैव टेकन द सेम मोनोलाइन ब्रश और वन बाय वन मैं इसको बना के कलर करूंगी। गाइस यहाँ पे मैं स्पीड फॉरवर्ड कर रही हूँ सो दैट आप बोर ना हो, बट आई एम डूइंग जस्ट द सेम थिंग। अब इसको अल्फा लॉक करने के बाद इसको भी हाईलाइट करना स्टार्ट करूंगी यूजिंग अ डार्कर एंड अ लाइटर टोन। अब थोड़ा लाइट कलर से भी इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट कर लूंगी। सब इसके एजेस बहुत रफ दिख रहे हैं, सो आई एम यूजिंग माय मर्ज टूल और सेम वे में जिससे मैंने फ्लावर को मर्ज किया था, मैं इससे ये हाईलाइट्स को भी मर्ज कर लूंगी। Now once all of this is done, मैंने इसके नीचे एक और लेयर ले ली है और अब मैं यहाँ पे अपना लाइट पर्पल मीन्स लैवेंडर कलर सिलेक्ट करूंगी और सॉफ्ट एयरब्रश सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर करना स्टार्ट करूंगी। अब थोड़ा सा ब्लू कलर भी सिलेक्ट कर लूंगी एंड आई जस्ट कलर द हाफ पार्ट रिमेनिंग ऑफ द कैनवस। अब यहाँ पे गॉजियन ब्लर सिलेक्ट किया है मैंने और इसको 50% गॉजियन ब्लर कर लूंगी, नॉट 50, यू कैन कीप इट एज 30 एज वेल। एंड इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लैवेंडर कलर लिया है और अपने ब्रशेस के सेक्शन में जाके ऑर्गेनिक्स में जाके मैंने क्लाउड्स का ब्रश सिलेक्ट कर लिया है, थोड़े से क्लाउड्स यहाँ पे बनाऊंगी। एंड अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर भी ले लिए है जिससे मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगी यूजिंग सॉफ्ट एयर ब्रश at the end of the canvas. अब यहाँ पे मैं मर्ज टूल लूंगी और ये क्लाउड्स को मर्ज कर लूंगी कुछ इस तरह से, सेम मैं व्हाइट कलर से भी कर लूंगी। Now as you can see my painting is completed.